नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बीते 19-20 मई की रात के वक्त स्वीट शॉप के मैनेजर से हुई लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है, जिनकी पहचान हरमनप्रीत सिंह, मोनू शर्मा और कार्तिक शर्मा उर्फ कालू के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट की रकम 3 लाख रुपए, 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, लूटी गई स्कूटी, चाबी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिला DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि 19 से 20 मई की मध्य रात्रि को नगद रुपए सहित स्कूटी लूटने की एक PCR कॉल शास्त्री पार्क थाने को मिली थी। ये लूटपाट GT रोड पर IT पार्क रेड लाइट के पास हुई थी। शिकायतकर्ता राजकुमार ने शिकायत दर्ज कराई और बताया कि वो कृष्णा नगर इलाके में एक मिठाई की दुकान पर मैनेजर के रूप में काम करते हैं। जब वह शास्त्री पार्क इलाके में रेड लाइट के पास पहुंचा, तो उसके साथ लूट की ये वारदात की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।